नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कैंसर के रिगार्डिंग, कि 100 रुपये में अब कैंसर जैसी बीमारी का इलाज एक टैबलेट के थ्रू हो सकता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में वो टैबलेट एग्जिस्ट करती है। अगर उसको हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या ये वाकई में कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकती है? और ये टैबलेट हमें कैसे मिलेगी? हम इसको कहाँ से लेके आएंगे? दोस्तों, कैंसर के बारे में बताएं कि कैंसर के बारे में कभी भी अगर ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मेडिकल साइंस की तरफ से, तो मीडिया में इसका एक बहुत बड़ा हाइप बन जाता है। तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है, जैसे अभी टी सेल कार थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बना था कि विदेशों जैसा इलाज अब अपने इंडिया में भी मिलेगा। थेरेपी बहुत अच्छी है, इलाज मिलेगा भी, मगर कितना बढ़ा चढ़ा करके मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, कि 100 रुपये में अब कैंसर का इलाज हो जाएगा, तो दोस्तों ये चीज़ें अभी अंडर ट्रायल हैं। और जो हमारे देश की सबसे जेन्युइन हॉस्पिटल है टाटा हॉस्पिटल, तो वहाँ पर ये सारे ट्रायल्स चल रहे हैं और टाटा वाले ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले हैं, मगर अभी ह्यूमंस पे नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये ट्रायल्स अभी चूहों पे करे गए हैं, और चूहों में जब ये ट्रायल्स करे गए तो वहाँ पर उसके जो रिजल्ट थे वो वहाँ पर साइंटिस्ट डॉक्टर्स को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव देखने के लिए मिले हैं। दोस्तों, जब हम अपना प्राइमरी कैंसर का इलाज कराते हैं तो पेशेंट के मन में हमेशा से ये डर रहता है कि कहीं मेरी बीमारी वापस लौट के तो नहीं आ जाएगी। और अक्सर देखा गया है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत ज़्यादा, और पेशेंट वापस डॉक्टर के पास जाता है और पता चलता है कि बीमारी वापस कैंसर की लौट आई है। तो वहाँ पर टाटा वालों ने इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने देखा कि जब पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो उस समय जब उसका कैंसर का सेल मरता है या डैमेज होता है, तो उसमें से क्रोमेटिन सब्सटेंस रिलीज होता है और वो जाकर के बॉडी के किसी भी पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है। और यही एक सब्सटेंस कारण बनता है फ्यूचर में मेट्स का या स्टेज 4 कैंसर का, कि बीमारी वापस लौट करके आ जाती है, क्योंकि वहीं पर ये सब्सटेंस, जो क्रोमेटिन सब्सटेंस है, उसकी वजह से उसी जहाँ पर वो ऑर्गन में डिपॉजिट हो वहीं पर ही वो कैंसर बनने लगता है और कैंसर के सेल्स वहीं पर फिर से बनने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को पकड़ करके टाटा वालों ने ये रिसर्च करी। लोगों ने जो अंगूर, काले अंगूर या लाल अंगूर से जो सब्सटेंस मिलता है, रेस्वेराट्रोल और कॉपर, इन दोनों को मिक्स करके एक एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट का बनाया और ये चूहों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया। और उससे पहले टाटा वालों ने चूहों को कैंसर सेल से इन्फेक्ट करा और उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी, और उस रिसर्च में देखा कि जो ये क्रोमेटिन सब्सटेंस है बॉडी से रिलीज हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये एंटीऑक्सीडेंट जो टैबलेट बनाई थी, रेस्वेराट्रोल और कॉपर को मिक्स करके उन चूहों को ये मेडिकेशन दिया गया और रिजल्ट बहुत ही मैजिकल मिले। और उसमें ये देखा गया कि जो क्रोमेटिन सब्सटेंस है बॉडी में, इसका लेवल बहुत ही कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे और आपके लिए कि फ्यूचर में हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि ये अभी रिसर्च ह्यूमंस पे नहीं करी गई है। टाटा वाले ये कहते हैं कि हम ह्यूमन पे रिसर्च करेंगे, मगर इसका डेटा आने में 2028 तक का उनको समय चाहिए, इतना समय लगेगा। तो अभी 4 से 5 साल हैं इस मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए, अगर ये ह्यूमंस पे अच्छा इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, आप मीडिया में कोई भी न्यूज़ देख करके बिल्कुल भी ऐसे परेशान मत होइए और न्यूज़ को बहुत ही ध्यान से देखा करिए, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी पे जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही अनकंट्रोल तरीके से वो ट्रेंड करती है मीडिया पर। तो दोस्तों, रियलिटी यही है कि ये सारे ट्रायल्स अभी अंडर प्रोसेस हैं और ये हो सकता है फ्यूचर में कि हमारे समाज में ये कैंसर जैसी बीमारी को टोटली ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, टाटा वाले इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि अगर वो क्रोमेटिन सब्सटेंस को हमारी बॉडी में से अगर रिड्यूस कर दें या ख़त्म कर दें, तो फ्यूचर में हम बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि कैंसर फ्री हो चुके हैं। एक बार हमने अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करा लिया और उसके बाद हमें इन सब बीमारी से, जो बीमारी वापस लौट के आती कैंसर की, इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो दोस्तों दुआ करिए उनकी ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाए और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलने वाला हो सके। तो दोस्तों ये हमारी और आपकी प्रेयर्स और उनकी टाटा वालों की मेहनत पे ये डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में इस मेडिसिन को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। और एक बार जब ये सक्सेसफुल हो गई टाटा वालों की रिसर्च, तो हमें मालूम है गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें अप्रूवल मिल जाएगा और ये मेडिसिन हमारे और आपके लिए अवेलेबल बहुत ही इजीली हो सकती है। इसको हम न्यूट्रासिटिकल थेरेपी बोलते हैं। और दोस्तों इस थेरेपी का मकसद ही यही होता है कि हम पेशेंट को कैसे कैंसर फ्री रख सकते हैं उसका इलाज ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, मगर अभी समय है, ये टैबलेट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आप कुछ भी अगर इस तरीके की न्यूज़ देखते हैं तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही संयम से देखिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो इसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।